तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 48 को। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात करना चाहूंगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड के लास्ट आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से वेइना ने हाओ को वार्निंग दे दी थी कि कोई तुम्हारा पीछा करने में लगा हुआ है, आखिरकार तुम्हें इस बार किसको गुस्सा दिला दिया है। और तभी लोग प्लान बनाते हैं उसे पकड़ने का। तभी वेइना उससे कहने लगती है तुम ऐसे ही चलते रहो गाड़ी की तरफ। तभी सामने उसे एक रॉल्स रॉयस दिखती है और वेइना उससे कॉल पर कहने लगती है तुम वहीं पर 30 मीटर तुम्हारे सामने एक कार खड़ी हुई है तुम्हारे राइट साइड राइट हैंड पर, और उसी के पीछे वो लड़की कोई भी है जो बंदा वो वहां पर खड़ी हुई है, इसके पास गन भी मौजूद हो सकती है तो सावधान रहना। तभी हाँ उससे कहने लगता है मैं मुझे ये मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो, क्या तुम उसे बचा पाओगी मुझे, ये जो चीज है वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि जैसे ही वो लोग मुझे हाई स्कूल स्टूडेंट समझकर मुझ पर अटैक कर देंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर लगा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए घर पर वापस चला जाऊँ, और भला मैं इस मामले में फंसू क्यों। तभी वेइना उससे कहने लगती है क्या तुम इस बात को लेकर नहीं डरते हो कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे कारण जहाँ पर मुसीबत में पड़ चुकी है, जाओ जल्दी से उस बंदे के पास चले जाओ ताकि मैं उस बंदे से अभी के अभी निपट सकूँ। तभी हाओ भी मान जाता है उनकी बात को और वेइना उससे कहने लगती है तुम उस बंदे के ज्यादा नजदीक मत जाना और तुम वहीं के वहीं खड़े रहो जब तक मैं वहां तुम्हारे पास नहीं पहुंचा दी। और तभी जो वेइना होती है वो अपनी सेक्रेटरी से कहने लगती है कि अपने आप सभी के सभी आदमियों को ये आदेश दे दो कि सारे के सारे जो लोग हैं वो पूरे एरिया को कवर कर लें और उस बंदे को यहां से भागने का बिल्कुल भी मौका ना दे। तभी उसकी सेक्रेटरी घबराती है उससे कहने लगती है हे मिस भाई क्या आप खुद फाइट करने के लिए वहां पर जाने में लगी है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकती। तभी वेइना उससे कहती है आखिरकार इसमें परेशानी क्या है। तभी जो सेक्रेटरी होती है वो घबराती है उससे कहने लगती है यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी। दूसरी तरफ जो हाओ होता है वो जल्दी जल्दी में कह रहा होता है हे वे जल्दी करो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तभी हमें सामने से एक गली में से एक बंदे को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हाओ उसको देखते कह लगता है वे से अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, वो बंदा मेरी तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो भी बंदा उसके पास आया होता है इसके बूब देखकर तो लगता है लड़की है बंदी है। तभी जो बंदी उसके पास आई होती है बंदी कहेंगे अब ठीक है। तभी लड़की उसके पास आती है और उससे गुस्से में कह रही थी तू बास्टर्ड कहीं के, और उल्टी सीधी गालियां देने में लगी हुई है। और ये सब सुनने के बाद हाओ कहने लगता है अब आखिरकार तुम कौन हो। तभी जो हाओ होता है इस सिचुएशन को देखने के बाद कहने लगता है इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है ये बंदा बिल्कुल भी सही इरादे से नहीं आया है, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ जरूर कर देगा तो मुझे सावधान रहना चाहिए। और भाई साहब वो बंदी तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और इतने गुस्से में उसे देख रही होती है जैसे अब इसका कत्ल कर देगी और उसे घूरना चालू कर देती है और उसकी तरफ भड़ लगती है फुल स्पीड में और दौड़ते हुए हाओ की तरफ आने लगती है। ये देखकर हाओ बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है अबे तेरी अब ये क्या हुआ, अब ये मेरी तरफ इतनी स्पीड से क्यों आ रही है, आखिरकार इसके इरादे क्या है। और तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जो हाओ होता है उसे भी फाइट करना आता था इसलिए वो उसके अटैक को बिना किसी परेशानी के डॉच कर लेता है। लेकिन वो लड़की कहार मारने वाली बार बार अटैक किया जाता है लेकिन वो हाओ उसके हर अटैक को डॉच कर रहा है। तभी एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप को उससे दूर कर लेता छलांग मारते हुए, और जो लड़की होती है वो देखकर कहने लगती है जरा इस देखे को तो चूजे को ये इतना ज्यादा उचकता कितना है बे। तभी जो हाओ होता है उसे फाइट करने के बाद नोटिस करता है और कहने लगता है इसके जो अटैक थे वो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इतने ज्यादा फास्ट नहीं थे कि मैं रिएक्ट ना कर पाऊँ उसके अटैक से, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन दूसरी तरफ इतना सोच ही रहा होता है लेकिन वो लड़की सीधे आकर उस पर फिर से अटैक करना चालू कर देती है और बोलती है तू बास्टर्ड कहीं के आखिरकार बच कैसे रहा अभी सबक सिखाते, और वह फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हाओ उस बात को नोटिस कर लेता है और अपनी वो अपनी चील जैसी आंखों से उसके अटैक को देखने के बाद फुल स्पीड में अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उसके टिक को डॉच करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी टांग को उसके टांग में फंसा देता है जिसके कारण जो लड़की उस पर अटैक करने के लिए आई हुई थी वो नीचे गिरने लगती है और उसका बैलेंस बिगड़कर धड़ाम से मुंह के ऊपर नीचे गिरती है। और तभी जो हाओ होता है वो सीधे आकर उसके ऊपर बैठ जाता है, पीठ पर बैठता है उल्टा नहीं बैठता तो ज्यादा मत समझ लेना, और उसको दबा लेता है अपने हाथों से। देखकर वो लड़की सरप्राइज होती है और हाओ उससे खेलता है हिलना मत नहीं तो मैं छूट कर दूँ, हमारा डराने की कोशिश करता है और उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम हो कौन और मेरे पर अटैक करने में क्यों लगी हो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है हाओ हाओ ये सब तेरी गलती है, आजकल मैं यहाँ पर इस हालत में सब तुम्हारी गलती है, अगर ये तुम्हारे कारण नहीं होता तो मेरी जो आज की हालत है अभी इस समय इस हालत में नहीं होती और अच्छे से जी रही होती। तभी हाओ कंफ्यूज होता है और कहने लगता है मुझे समझ नहीं आया आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, सबसे पहले तो तुम अपना मास्क बाहर निकालो ताकि हम अच्छे से बात कर सके फेस टू फेस, और वो मास्क निकालने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो लड़की अपने आप को बचाते हुए अपना हाथ अपनी जो कोहनी है वो जांग हाओ के मारती है जिस कारण हाओ उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है और वो लड़की उससे कहने लगती है जल्दी से मेरे ऊपर से हट जा बे, और इतनी ज्यादा पावर देखते हुए जो हाओ होता है वो घबराने लगता है उसको चोट लग जाती है हाथ में और कहने लगता है लड़की को देखते हुए आखिरकार ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। लेकिन जो लड़की होती है वो खड़ी हो जाती है अटैक करने के लिए और कहने लगती है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ,
अरे साले भूत भूत की मूवी थोड़ी ना चल रही यहाँ पर। और हाव की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है, उसकी पावर काफी ज्यादा होती है और अपने हाथों से एक चाकू निकाल लेती है उसे मारने के लिए। ये देखकर हाव और भी डर जाता है और कहने लगता है क्या इसके पास एक नाइफ है, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और तभी उस लड़की को दिखाया जाता है, वो फुल स्पीड में उसकी आंखों की तरफ अपनी नाइफ को मारना चालू कर देती है, जिसको देखकर हाव और भी डर जाता है और कहने लगता है क्या इसके पास ये हिडन नाइफ हमेशा से मौजूद थी, इसका मतलब ये इतने समय से मेरे साथ खेलने में लगी हुई थी, अब समय आ चुका है कि मेरी तो लग गई लंका। और वो लड़की सीधे उस पर अटैक कर देती है बिना हिचकिचाए। अबे साले ऐसा क्या कर दिया तूने इस लड़की के साथ, क्या उसे सीधा कांड कर दिया जो उससे पीछे पड़ी हुई है। और इसी के सरप्राइजिंग के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये कौन है और क्यों फाइट करने में लगी हुई और इसको क्यों मारने पर तुली हुई है और क्या कांड कर दिया हाउ ने इस बार जो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन बिना परेशानी के पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट, साइनिंग आउट।